Assalamu alaikum. General Science ki class 9th or class 10th ki pairing scheme note kar lijiye. To sabse pehle question number 1 jo ki multiple choice questions honge, inki baat kar lete hain. Chapter number 1, 2 aur 3 mein se do do MCQs liye jayenge. Chapter number 4, 5 aur 6 mein se 3 MCQs liye jayenge. Question number 2, short questions ki baat kar lete hain. Chapter number 1 mein se 4 short questions, chapter number 2 mein se 5 short questions liye jayenge. Question number 3 ki baat kar lete hain. Chapter number 3 mein se 4 short questions aur chapter number 4 mein se 5 short questions liye jayenge. Question number 4 bhi short questions honge. Isme chapter number 5 mein se 4 short questions aur chapter number 4 mein se bhi 5 short questions liye जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं. चैप्टर नंबर 5 में से 4 जबकि चैप्टर नंबर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे. लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. चैप्टर नंबर 1 में से एक जूज ली जाएगी और चैप्टर नंबर 2 में से आई एम सॉरी यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक जो कि टेक्स्ट की मिस्टेक है. आप मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए. ये देखिए चैप्टर नंबर 1 में से एक जूज बनेगी और चैप्टर नंबर 2 में से बी जूज बनेगी और चैप्टर नंबर 3 में से ए जूज बनेगी जबकि चैप्टर नंबर 4 में से बी जूस बनेगी. यहां पे थोड़ी मिस्टेक है, प्लीज मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए. मैं फिर से दोहरा देता हूं. चैप्टर नंबर 1 में से एक जूस बनेगी लॉन्ग क्वेश्चन की और चैप्टर नंबर 2 में से बी जूस आएगी. फिर चैप्टर नंबर 3 में से एक जूस बनेगी और फिर चैप्टर नंबर 4 में से बी जूस बनेगी और चैप्टर नंबर 5 में से एक यानी कि ए जूस बनेगी और फिर चैप्टर नंबर 6 में से बी जूस बनेगी. तो अगर आपको समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. अब बात करते हैं क्लास 10th की जनरल साइंस की पेयरिंग स्कीम के बारे में. क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लीजिए. चैप्टर नंबर 7 और 8 में से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. चैप्टर नंबर 9 और 10th में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जबकि चैप्टर नंबर 11 में से एक एमसीक्यू लिया जाएगा जिसे सारे एमसीक्यूज हैं. तो आगे बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की. चैप्टर नंबर 7 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं और चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं. ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. इसमें चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा. चैप्टर नंबर 10 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे. तो यहां पे चैप्टर नंबर 7 में से ए जूस बनेगी और यहां पे भी थोड़ी सी गलती है, तवज्जो कीजिए, मैं आपको समझा देता हूं. मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए. चैप्टर नंबर 7 में से ए जूस बनेगी जबकि चैप्टर नंबर 8 में से बी जूस बनेगी. तो सिर्फ इतना सा ये लॉन्ग क्वेश्चन में. अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. इन पेयरिंग स्कीम्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप उस लिंक पे क्लिक करके यानी अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे डाउनलोड भी कर सकते हैं. अगर कोई परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. इस अपीयरिंग स्कीम को शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.